जय माता दी। वैष्णो देवी से जुड़ी हर लेटेस्ट जानकारी जानने के लिए सब्सक्राइब करें डिवोशनल पॉइंट और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। जय माता दी। डिवोशनल पॉइंट एक बार फिर से आप सही भक्तों के लिए नई उदासी वीडियो लेकर हाजिर है। जो नजारा आप सही भक्त सामने देख पा रहे हैं, वैष्णो देवी यात्रा त्रिकुटा पर्वत का ताजा नजारा है। अगर आप वैष्णो देवी यात्रा पर जाने का विचार बना रहे हैं तो वीडियो को देखना ना भूलें, जिससे कि यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी आप जान सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जो नजारा आप सही भक्त सामने देख पा रहे हैं, फिलहाल कटरा चौका कुछ इसी तरीके से नजारा बना हुआ है। माता रानी की यात्रा पर प्रतिदिन लगभग 15 से 18 हजार भक्त आ रहे हैं, काफी बड़ी बात है। आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप सैटरडे संडे का प्रोग्राम बना रहे हैं माता रानी की यात्रा पर, तो उस समय आपको थोड़ी भीड़ ज्यादा मिल सकती है। ज्यादातर यही देखा जा रहा है, सैटरडे संडे के दिन ज्यादातर भक्त दर्शन करने आते हैं, क्योंकि उस समय भक्तों को छुट्टियां मिल जाती हैं और माता रानी की यात्रा पर काफी ज्यादा भीड़ देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आप भक्तों को बड़ी जानकारी ये देना चाहता हूँ, अगर आप माता रानी की यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको ज्यादा ठंड मिल सकती है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा माता रानी की यात्रा पर देखी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से माता रानी की यात्रा पर रुक रुक कर कुछ इसी तरीके से बारिश हो रही है। जो फिलहाल आप सामने नजारा देख पा रहे हैं, बाणगंगा मार्ग का नजारा है, जिससे कि भक्त कटरा से अर्धकुंवारी होते हुए भवन की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्त कैसे रेनकोट पहनकर माता रानी की यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा भक्तों को फिलहाल देखने के लिए मिल रहा है। तो आप एक चीज का ध्यान रखें, अगर आप वैष्णो देवी यात्रा पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो आप अपने साथ छाता और रेनकोट ले जाना ना भूले, जिससे कि आपको कोई भी संकट का सामना ना करना पड़े। वहीं आप भक्तों को बता देना चाहता हूँ, वैष्णो देवी यात्रा पर चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवाएं भी भक्तों के लिए ज्यादातर बंद हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बारिश और मौसम का खराब होना ही है। तो अगर आपने पहली हेलीकॉप्टर सेवाओं की बुकिंग ऑनलाइन माध्यम से करा ली है तो आपका कोई भी चिंता का विषय नहीं है। अगर मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाता है तो श्राइन बोर्ड आपको पूरा रिफंड देने वाला है, बिना कोई पैसे काटे। इस समय यात्रा पर जाने के लिए भक्तों को घोड़े खच्चर पिट्टू पालकी की सेवाएं पूर्ण रूप से मिल पा रही हैं। साथ ही भवन से भैरव बाबा चलने वाली रोपवे और अर्धकुंवारी से भवन के बीच में चलने वाली बैटरी कार की सेवाएं भी मिल पा रही हैं। तो अगर आप श्री माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने का विचार बना रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, वैष्णो देवी यात्रा पर फिलहाल ठंड भी है, साथ में बारिश भी है, तो उसी हिसाब से आप कपड़े लेकर जाएं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वहीं वैष्णो देवी यात्रा पर आने से पहले आपको कुछ चीजों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि यात्रा पर कोरोना टेस्ट मांगा जा रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, अगर आप जम्मू कश्मीर में आते हैं बाय रोड, या फिर प्लेन से आते हैं, या फिर आप ट्रेन से आते हैं, तो यहाँ पर आपको पहुँचने से पहले कोरोना टेस्ट आपसे पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ पर आने के बाद में कोरोना टेस्ट दिखाने में सफल रहते हैं तो ही आपको यात्रा पर जाने दिया जाएगा। अगर आपके पास कोरोना टेस्ट नहीं पाया जाता है तो आपको या तो यहाँ पर कोरोना टेस्ट कराना होगा या फिर आपको अपने राज्य वापस जाना होगा। आपको कुछ चीज़ों का ये ध्यान रखना है कि कोरोना टेस्ट अगर आप अपने राज्यों से करा रहे हैं तो आपको कोरोना का RT-PCR का ही टेस्ट करा कर लाना है, जो कि 48 घंटे से ज़्यादा पुराना मान्य नहीं माना जाएगा। अगर आप RT-PCR की जगह रैपिड टेस्ट करा कर लाते हैं तो वो वैल्यूएबल नहीं माना जाएगा, वो मान्य भी नहीं माना जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यही है, यात्रा पर जाने से पहले आपको कोरोना टेस्ट कराना है, जिससे कि यात्रा पर आने वाले सभी भक्तों की सेहत का भी ख्याल रखा जा सके, कोरोना फैलने से भी रोका जा सके, साथ ही माता रानी के भक्तों को सभी सुविधाएं पूर्ण रूप से मिल सके और यात्रा भी कुछ इसी तरीके से चलती रहे। कुछ ऐसे ही नजारा कटरा में बना हुआ है। रुक रुक कर कटरा में भी बारिश देखने को मिल रही है। माता रानी की यात्रा पर बादलों ने जैसे भवन को घेर लिया है। तो अगर आप वैष्णो देवी यात्रा पर जाने का विचार बना रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखें, तभी माता रानी की यात्रा के लिए प्लान करें। मैं आशा करता हूँ भक्तों को वीडियो पसंद आई होगी और माता रानी आप भक्तों को यात्रा पर जरूर बुलाएगी, आप सभी की यात्राओं को सफल बनाएगी। मैं कामना करता हूँ आप सभी की यात्राएं सफल रहे, संपूर्ण रहे, और आप सभी एक बार कमेंट में जय माता दी लिखना भी ना भूलें। वहीं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि माता रानी का ये चैनल आप सभी के सपोर्ट से आगे बढ़ता रहे। वहीं अगर आप चाहते हैं वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी ताजा तस्वीरें और पिंडी रूपी दर्शन रोजाना प्राप्त करना, तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही आपकी स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।